चिड़िया और पागल चील। एक दूर दराज जंगल में एक चूनी नामक चिड़िया अकेले ही अपने बरगद के पेड़ पर अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। चूनी चिड़िया के पति का हाल ही में एक दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से चूनी चिड़िया अकेले ही अपना जीवन बसर कर रही थी। चूनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 3 अंडे दे रखे थे। उसका घोंसला इतना छोटा था कि उसके 3 अंडे रखने के बाद घोंसले में एक चींटी के बैठने की भी जगह नहीं रहती थी। इसलिए चूनी चिड़िया हर समय अपने घोंसले के बाहर ही डाली पर बैठा करती थी, यहाँ तक कि उसी डाली पर सोया भी करती थी। एक दिन की बात है, चूनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी अपने अंडों पर नजर रख रही थी। तभी अचानक जंगल में कुछ पक्षी भाग दौड़ कर रहे थे। ये देखकर चूनी चिड़िया एक छोटे तोते को आवाज लगाती है। अरे तोते भाई, तोते भाई! अरे 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 चिड़िया बहन, अरे आप यहाँ क्यों बैठी हो? अरे अपने अंडे को लेके भागो यहाँ से। क्यों तोते भाई, ऐसा क्यों हो गया? अरे अरे चिड़िया बहन, हमारे इस जंगल में बहुत खतरनाक चील घुस गई है और पक्षियों के अंडे उनके बच्चों को खा रही है, इसलिए हम सब अपने बच्चों को लेकर इस जंगल से भाग रहे हैं। आप ही अपने अंडों को लेकर यहाँ से भागिए। तो अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? मैं एक साथ 3 अंडों को तो नहीं ले जा सकती। क्या करूं? मैं बहुत ही परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे अपने अंडों को चील से बचाए, तभी चूनी चिड़िया की नजर उसी पेड़ के पत्तों पर पड़ती है, जिसके बाद चूनी चिड़िया एक एक करके कई सारे पत्ते तोड़ कर अपने घोंसले को अंडों से देती है। चलो, मैंने अपने अंडों को तो छुपा लिया, अब मेरे अंडों को कोई देख नहीं सकता। तभी वो चील वहाँ आ जाती है। चूनी चिड़िया उस चील को देखकर पेड़ की एक डाली के पीछे छुप जाती है। चील उसी डाली पर आकर बैठ जाती है जहाँ चूनी चिड़िया के अंडे घोंसले में पड़े हुए थे। अरे बाबरी, ये चील तो मेरे घोंसले के पास ही आकर बैठी। अगर इसने मेरे घोंसले को देख लिया तो ये मेरे 3 अंडों को खा जाएगी। मैं इस जंगल के हर पक्षी के अंडे को खा जाऊंगी। चील की नजर पत्तों पर पड़ती है जहाँ टूनी चिड़िया का घोंसला था। अरे ये इतने सारे पत्ते यहाँ कैसे? चलो मैं देखती हूँ क्या है इसके नीचे। चील वहाँ जाती है और सारे पत्तों को हटाती है। वो पत्तों को जैसे ही हटाती है, वहाँ घोंसले में टूनी चिड़िया के 3 अंडे पड़े हुए थे। ये देख कर चील बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, यहाँ तो 3 अंडे हैं। तभी टूनी चिड़िया तेजी से उठकर वहाँ आती है। अरे चील बहन, आप क्या कर रही हो? मैं इन 3 अंडों को खाने जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं चील बहन, अब ऐसा मत करना वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। अरे वाह, इन अंडों को खाने पर मेरा पेट खराब हो जाएगा, फिर तो मैं जरूर खाऊंगी इन अंडों को। लगता है ये चील पागल है, इसे हर काम उल्टा करने की आदत है। अरे चील बहन, ये अंडे मत खाना, क्योंकि अंडे जादुई अंडे हैं। क्या जादुई अंडे हैं? हाँ हाँ चील बहन, ये एक अनजान पक्षी का घोंसला है, उसने इस घोंसले में अंडा दिया था। मैं पता नहीं फिर वो कहाँ चला गया। उसके बाद ही 1 से 2 अंडे हो गए और अपने आप ही 2 से 3 अंडे हो गए। जगह के पक्षी ने जब ये देखा था तो कोई भी पक्षी अंडों के पास नहीं आता। आप भी इन्हें मत खाइए वरना आपके साथ क्या होगा इस बात का अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। अरे वाह, ये अंडे अपने आप 1 से 2 और 2 से 3 हो गए, इसका मतलब ये 3 से 4 और 4 से 5 भी हो सकते हैं। हाँ जी बहन, क्योंकि ये जादुई अंडे हैं ना, इसलिए। इसका मतलब ये 100 अंडे भी हो सकते हैं। तो मैं इसी घोंसले में रहूंगी और पूरे 100 अंडे होने का इंतजार करूंगी। जब ये पूरे 100 अंडे हो जाएंगे तब मैं एक साथ पूरे 100 अंडे खा जाऊंगी। अरे बाप रे, ये पागल चील तो मेरी ही घोंसले में रहने की बात कर रही है, अब मैं क्या करूँ, कैसे भगाऊं इसे यहाँ से? अरे चील बहन, अच्छा अब तुम जाओ चिड़िया बहन, अब मैं यही इन्हें अंडों के पास रहूंगी, अब जाओ यहाँ से। चूनी चिड़िया वहाँ से उठकर बगल वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वहीं से अपने अंडे और अपने घोंसले पर नजर रखती है। वो चील उसी घोंसले के आजू बाजू घूमती रहती है। ये तो 1 नंबर की पागल चील है, मैं इसे कौन सी बात कह रही हूँ? अरे क्या सुन रही है, पागल ने तो मेरे अंडे और मेरे घोंसले पर ही कब्जा कर लिया। मुझे कैसे भी करके अपने अंडों को वहाँ से निकालना होगा, इस पागल चील का कोई भरोसा नहीं, कभी मेरे अंडों को खा जाए। चूनी चिड़िया वही पेड़ की डाली पर बैठ कर अपने अंडों पर नजर रख रही थी। उधर वो पागल चील पूरे घोंसले का गोल गोल चक्कर लगा रही थी। ये अंडे जल्दी से 100 अंडे हो जाए।
देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं, पर वो तीन अंडे जैसे की पैसे उस घोंसले में पड़े हुए थे। चील जब ये देखती है तो वो गुस्सा हो जाती है और वो टूनी चिड़िया को आवाज लगाती है। अरे कहाँ हो चिड़िया बहन, इधर आओ। टूनी चिड़िया भी कई दिनों से वहीं बैठकर अपने अंडों पर नजर रख रही थी। चील की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया चील के पास आती है। क्या हुआ चील? तुमने तो कहा था ये अंडे अपने आप एक से दो हो जाते हैं, पर यहाँ तो कई दिन गुजर गए पर ये अंडे तीन से चार ही नहीं हुए। अरे इस चील ने तो मुझे पागल ही बना कर रख दिया। इस पागल चील के चक्कर से कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ। पता नहीं कहाँ से इस पागल चील को मेरे अंडे दिख गए थे। अरे चील बहन, ये जादुई अंडे हैं और ये एक से दो तभी होते हैं जब कोई भी इन्हें नहीं देख रहा होता। आप तो हमेशा से इन अंडों पर नजर रख रहे हो, तो फिर ये अंडे तीन से चार कैसे होंगे? अरे चील बहन, आप रात में सो जाए करो। जब आप रात में सो जाओगे ना तो आप खुद देखोगे सवेरे ये अंडे चार हो गए। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर आज रात में सो जाऊंगी। रात के समय चील उसी घोंसले के बाहर गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी टूनी चिड़िया के एक अंडे से बच्चा निकल आता है। ये देखकर टूनी चिड़िया फौरन अपने अंडों के पास आती है। अरे तो एक अंडे से मेरा बच्चा निकल आया, मुझे तुरंत अपने इस बच्चे को यहाँ से ले जाना होगा। अगर इस चील ने देख लिया तो ये तो मेरे बच्चे को खा ही जाएगी। चिड़िया का बच्चे जैसे ही आवाज करने लगता है पैरों से अपने बच्चे का मुंह दबा देती है जिससे आवाज नहीं आती। उसके बाद टूनी चिड़िया चुपके से अपने बच्चे को वहाँ से लेकर छोड़ जाती है और दूर एक पेड़ पर अपने बच्चे को छोड़कर वापस अपने घोंसले में आती है। तभी दोनों अंडों से भी बच्चे निकल आते हैं। टूनी चिड़िया उन दोनों को भी पकड़ कर वहाँ से चली जाती है जहाँ उसने अपना एक बच्चा रखा था। चलो मेरे तीनों बच्चे तो अंडों से निकल आए, अब मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। टूनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों को लेती है और वहाँ से बहुत दूर चली जाती है। इधर उसके घोंसले में उसके अंडे के दो दो खाली टुकड़े पड़े हुए थे। अगले दिन सवेरे जब वो पागल चील इतने सारे खाली अंडे के टुकड़े को देखती है, अरे वो चिड़िया कहाँ है? चील वही घानू मानू देखती है और उसके बाद टूनी चिड़िया दिखाई देती है। ना उसके बच्चे पागल चील को पागल बना